हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिफ्टिंग गियर्स। और आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं टोयोटा की यारिस सेडान। Well, I don't mind the slow down anymore. I don't mind the sound of my shoes on your floor. I don't mind selling out or playing cover song. Just as long as friends and family sing along. And I don't need more money or faster car, nah. Don't need a magazine to call me a superstar, nah. Anymore, anymore. टोयोटा ने ये गाड़ी कुछ ही हफ्ते पहले लॉन्च की थी इंडिया में, और ये अब राइवल करती है होंडा सिटी, मारुति सुजुकी सियाज और ह्युंडई वर्ना इन गाड़ियों को। इसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है ₹8.75 लाख से स्टार्ट होके ₹14.07 लाख एक शोरूम दिल्ली। तो कंपटीशन के कंपैरिजन में ये गाड़ी थोड़ी एक्सपेंसिव ज़रूर है, और ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली पेट्रोल वेरियंट्स में अवेलेबल है। लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि टोयोटा यारिस बेस वेरियंट से लेके आपको लेके आते हैं सबसे टॉप सेफ्टी फीचर्स और ऑटोमेटिक वेरिएंट्स भी। चार मैनुअल वेरिएंट्स अवेलेबल है और चार ऑटोमेटिक वेरिएंट्स। तो चलिए देखते हैं क्या फीचर्स दिए गए हैं टोयोटा यारिस में। फ्रंट एंड डिजाइन में आपको ये पुल्ड बैक हेडलैम्प मिलता है, और इसमें आपको प्रोजेक्टर्स मिल रहे हैं फॉर द मेन बीम। उसके बाद स्मोक डिफेक्ट है हेडलैम्प्स में, और यहाँ पे LED DRLs दिए गए हैं। फॉग लैम्प्स अलग से पोजिशन किए गए हैं, और ये आपको एक ब्लैक बेजल मिलती है जिसकी वजह से फॉग लैम्प्स डिस्टिंक्टली दिखाई देते हैं। भले ही इसका फ्रंट ग्रिल थोड़ा एंगुलर और अलग दिखता है कंपटीशन के कंपैरिजन में, टोयोटा ने यहाँ पे सेविंग की है, और यहाँ पे कोई क्रोम नहीं दिया है, सिर्फ ये एक स्मॉल क्रोम स्ट्रिप मेन ग्रिल पे है। तो कॉस्ट कटिंग काफ़ी एविडेंट है, भले ही ये गाड़ी एक्चुअली थोड़ी एक्सपेंसिव है। साइड प्रोफाइल में जब आप आएंगे तो आपको डिसेंट 15-inch रिम्स मिलते हैं। ये डिज़ाइन काफ़ी बेसिक है अगर आप इसकी प्राइसिंग कंपेयर करें तो। बाकी सारी गाड़ियों में डायमंड कट अलॉयज मिल रहे हैं या 16-inch रिम्स मिल रहे हैं, तो उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा फीका लगता है। बट टोयोटा का क्लाइंटेल देखोगे तो उनके लिए ये काफ़ी एक्सेप्टेबल है। साइड प्रोफाइल में जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी क्रीज लाइंस दी गई हैं, तो गाड़ी थोड़ी बहुत डायनामिक दिखती है साइड प्रोफाइल से। बट डिज़ाइन ओवरऑल कुछ ज़्यादा ही अपीलिंग तो नहीं है, और स्पोर्टी भी नहीं है। एकदम न्यूट्रल ऐसा डिज़ाइन टोयोटा अपने यारिस के साथ भारत में लेकर आया है। एक और चीज़ जो आप नोटिस करेंगे जब आप रेयर व्हील्स, रेयर एलॉय व्हील्स को देखेंगे, तो ये है कि यहाँ पे भी आपको मिल रहे हैं डिस्क ब्रेक्स। टोयोटा यारिस हर वेरिएंट में ऑल फोर डिस्क ब्रेक्स लेकर आई है आपके लिए। उसके बाद डोर हैंडल्स क्रोम में दिए गए हैं टॉप ट्रिम्स में, और बी पिलर और ये विंडो सिल्स ब्लैक्ड आउट किए हैं, लेकिन क्रोम इफेक्ट नहीं दिया गया है वेदर स्ट्रिप। उसके बाद जैसे कि आप नोटिस कर सकते हैं आपको मिलता है एक शार्क फिन एंटेना, और उसके बाद टेल लैंप्स LEDs हैं। यहाँ पे LED स्ट्रिप्स है जो आप जब हेडलैम्प ऑन करते हो तब इल्यूमिनेट होते हैं, और ये आपका स्टॉप लैम्प के जैसे वर्क करता है। टोयोटा बैजिंग तो नहीं है पीछे, सिर्फ टोयोटा का लोगो दिया गया है और यारिस की ब्रांडिंग की है। ये फॉग लैम्प्स फंक्शनल है, रेयर फॉग लैम्प्स, तो आप इनको जब ज़रूरत हो तब एक्टिवेट कर सकते हो अंदर के कंट्रोल स्ट्रोक स्विच के ऊपर। तो ओवरऑल डिज़ाइन टोयोटा यारिस की हम कहेंगे बेसिक न्यूट्रल है, किसी को ऑफेंड नहीं करेगी। इसमें ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो शायद किसी को ना पसंद आए, लेकिन काफ़ी लोगों को ये बेसिक डिज़ाइन शायद पसंद ना आए, क्योंकि आज की डेट में पब्लिक थोड़ा स्पोर्टी, थोड़ा डायनामिक, थोड़ी एजी डिज़ाइन अब एक्सपेक्ट करना शुरू कर चुके हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं यारिस के इंटीरियर्स के बारे में। जैसे ही आप गाड़ी के अंदर स्टेप इन करते हो तो आपको दिखाई देता है ये ड्यूअल टोन बेज और ब्लैक इंटीरियर थीम। अब सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करोगे जब आप गाड़ी के अंदर बैठोगे कि ये कैबिन थोड़ी नैरो है, होंडा सिटी इससे काफ़ी चौड़ी आपको फील होती है, लेकिन लोगों की चॉइस है। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल ओके दिखता है, तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। लेफ्ट में आपको मिलता है टैकोमीटर, सेंटर में आपका प्राइमरी स्पीडोमीटर, राइट साइड में आपको मिल रहा है एक छोटा डिजिटल डिस्प्ले। ये डिजिटल डिस्प्ले आपका MID यानी मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले की तरह फंक्शन करता है। इसमें आपको फ्यूल डेटा, डिजिटल स्पीडोमीटर, पार्किंग सेंसर का डेटा, ये सब कुछ दिखाई देता है, और काफी कुछ सेटिंग्स भी हैं इसमें जो आप अपने टेस्ट के हिसाब से सेट कर सकते हो। उसके बाद यारिस में आपको मिलता है ये टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, लेकिन इसकी क्वालिटी काफी ओके है, या हम कहेंगे कि काफी खराब है। इसका जो टच एंड फील है और जो डिस्प्ले क्वालिटी है, जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है, वो काफी काफी खराब दिखता है। ये गाड़ी लगभग 17 लाख ऑन रोड
पड़ने वाली है आपको, और इस प्राइस में ऐसी स्क्रीन जरूर शोभा नहीं देती। उसके बाद आपको मिलता है ये क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। टेम्परेचर सेटिंग्स यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ से आप फैन स्पीड सेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे दो आपको बॉटल होल्डर्स मिल रहे हैं, और ये स्मार्टफोन होल्डर यहाँ पे दिया गया है हैंड ब्रेक के बाजू में। अभी आप जैसे कि देख रहे हो ड्राइविंग पोजिशन में जब मैं बैठा हूँ, तो ये आर्म रेस्ट काफ़ी पीछे है। एक्चुअली ये यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इसकी फंक्शनैलिटी थोड़ी ख़राब हो जाती है। और जब आप नोटिस करेंगे जब हम पीछे बैठेंगे, ये आर्म रेस्ट पीछे ज़्यादा ही प्रोट्रूड होता है, तो आगे ड्राइवर को इसका बेनिफिट कम है। सीट्स डिसेंट हैं, ड्राइवर सीट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, जैसे कि आप देख रहे हो मैं इसे एडजस्ट कर रहा हूँ सिर्फ एक बटन से। स्टीयरिंग व्हील पे सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं, पैडल शिफ्ट दिए गए हैं ऑटोमेटिक वेरिएंट में, आपको म्यूजिक कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल, सारे फंक्शंस स्टीयरिंग व्हील पे दिए गए हैं, तो आप काफी कंफर्टेबल हो गए जब आप अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे हो। राइट साइड में इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी दिया गया है। चलिए अब देखते हैं बैक सीट पे टोयोटा यारिस कैसी गाड़ी है। अब आगे की सीट जो है वो मैंने मेरे सीट हाइट के हिसाब से एडजस्ट की है। अब जब मैं पीछे बैठा हूँ, लेग रूम डिसेंट है, फुट रूम डिसेंट है, फ्लोर फ्लैट है, तो यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी अकोमोडेट होने में। डिसेंट स्पेस है, हेडरूम भी ओके है। लेकिन अब इसका कैच ये है कि होंडा सिटी और सियाज इससे ज़्यादा रूम आपको ऑफर करते हैं बैक सीट में। सियाज तो कुछ ज़्यादा ही लेग रूम ऑफर करती है। तो जब आप इस गाड़ी के लिए 17 लाख दे रहे हो टॉप मॉडल में, तो आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो बैक सीट स्पेस के हिसाब से। और जब टोयोटा इसे लॉन्च कर रही है अपने प्रीमियम कस्टमर्स के लिए, जो मैक्सिमम टाइम बैक सीट में बैठने वाले हैं एग्जीक्यूटिव क्लास के लोग, तो उनको शायद ये छोटा लेग रूम थोड़ा मैटर करेगा। जैसे हमने आपको बताया था, देखिए ये फ्रंट आर्म रेस्ट एक्चुअली पीछे कितना आता है, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे एसी वेंट तो दिया ही नहीं है। एक्चुअल में एसी वेंट पीछे है ही नहीं। आप अगर यहाँ पे देखोगे रूफ पे, ये फैन सेटिंग्स है, तो ये आपके आगे के एयर कंडीशनिंग की कैबिन की हवा आपको पीछे फैन ब्लोअर से आपके मुंह पे डायरेक्ट करती है। मुंह पे हवा डायरेक्ट करती है, ये अच्छी बात है, आपको डायरेक्टली ब्लो फील होता है, लेकिन कूल्ड एयर नहीं है, कूल्ड एयर आगे के एसी वेंट से ही आ रही है। उसके बाद कंफर्ट की बात करेंगे, तो सीट्स जैसे कि आगे वैसे भी पीछे काफ़ी नाइस एंड कम्फर्टेबल हैं, डिसेंटली सपोर्टिव हैं। अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा बेटर हो सकता था, बट कंप्लेन करने की कोई वजह नहीं है इसमें। तीन लोगों के लिए हेडरेस्ट दिए गए हैं, एडजस्टेबल है, ये आर्मरेस्ट आप फोल्ड करके पीछे कर सकते हो। अभी हम आपको बताएंगे कि ये आर्मरेस्ट जो पीछे आता है, देखिए वो कितना दिक्कत वाला है। अभी यहाँ पे मैं बैठ तो सकता हूँ ऐसे, क्योंकि यहाँ पे फ्लोर फ्लैट है, बट ये पीछे आने की कोई वजह ही नहीं है। तो चलिए अब बात करेंगे टोयोटा यारिस के ड्राइविंग डिपार्टमेंट के बारे में। टोयोटा यारिस के साथ आपको मिलता है एक 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन। टोयोटा फिलहाल तो यारिस के लिए कोई डीजल इंजन ऑप्शन सोच नहीं रही है इंडिया के लिए। शायद एक इलेक्ट्रिक हाइब्रिड वेरिएंट टोयोटा यारिस के लिए पेट्रोल हाइब्रिड ऑप्शनली ऑफर हो सकता है इन द लॉन्ग टर्म। यारिस का 1.5 लीटर का पेट्रोल मोटर प्रोड्यूस करता है 107 पीएस ऑफ पावर एंड 140 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। इसके साथ आपको मिलता है एक 6-स्पीड मैनुअल या 7-स्पीड सीवीटी गियरबॉक्स। टोयोटा क्लेम करते हैं कि मैनुअल वेरिएंट की माइलेज है 17.1 किलोमीटर पर लीटर, लेकिन सीवीटी की माइलेज सुपीरियर है एट 17.8 किलोमीटर पर लीटर। गाड़ी दिखने में ओके है, लेकिन इसका इंजन बहुत ही बढ़िया है, इंजन की रिफाइनमेंट काफ़ी अच्छी है। गाड़ी की वेट टॉप मॉडल के लिए 1135 kg है, तो गाड़ी ज़्यादा हैवी नहीं है, एंड विथ 107 पीएस ऑफ पावर, पावर टू वेट रेशियो काफ़ी एक्सेप्टेबल है। विद अ रिफाइंड नेचर ऑफ द इंजन एंड गुड पेपी परफॉर्मेंस इवन इन द सीवीटी गियरबॉक्स, टोयोटा यारिस आपको काफ़ी इंप्रेस करेगी जब आप इसे चला रहे हो सिटी में या हाईवे में, एस्पेशली सिटी में, क्योंकि सीवीटी गियरबॉक्स की सीमलेस गियर शिफ्टिंग, एक्चुअली गियर शिफ्टिंग होती नहीं है क्योंकि इसमें पुलीज होते हैं, तो सीवीटी गियरबॉक्स एक्चुअली में सिर्फ एक सिंगल गियर है फ्रंट मोशन के लिए, इसमें अंदर पुलीज दी गई हैं अनलाइक कन्वेंशनल टॉक कन्वर्टर गियर बॉक्सेस, सो आपको गियर शिफ्ट फील नहीं होती है। जब भी आप एक्सेलरेटर फ्लोर करते हो, गाड़ी सिंगल गियर में रेड लाइन तो करती है और मोशन स्लोली स्लोली अचीव करती है। इसे रबर बैंड इफेक्ट भी कहते हैं, इसकी वजह से इंजन नॉइस काफ़ी प्रोनाउंस रहता है स्टार्टिंग में, लेकिन जब आप फेदर लाइट फुट से गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी बहुत ही स्मूथ चलती है। तो एग्जीक्यूटिव क्लास इसे ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि बैक सीट में बैठा हुआ पैसेंजर
जो कार ओनर हो सकता है, ही विल बी वेरी कंफर्टेबल. उसके बाद इंजन रिफाइनमेंट इनसाइड इज वेरी गुड, इंजन नॉइज इज नॉट ऑडिबल, इंजन की आवाज अंदर बहुत कम आती है, और मैनुअल शिफ्टिंग के लिए आपको पैडल शिफ्ट दिए हैं, बट ऑन अ सीवीटी गियर बॉक्स वी डोंट थिंक इट्स नेसेसरी. ज़्यादा कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है, लेकिन ओवरटेकिंग के टाइम आप इसका यूज़ कर सकते हो. इसके अलावा सस्पेंशन, राइड क्वालिटी, एवरीथिंग इज़ नाइस. गाड़ी में कंप्लेंट करने जैसी कोई चीज़ें नहीं है. टोयोटा ने एक बहुत ही न्यूट्रल प्रोडक्ट भारत के लिए लाया है, और ये गाड़ी अपने न्यूट्रल और बैलेंस्ड डायनामिक्स से आपको ज़रूर इंप्रेस करेगी. सेफ्टी के बारे में बात करेंगे, टोयोटा यारिस में आपको मिलते हैं 7 एयरबैग्स, क्लास लीडिंग 7 एयरबैग्स, एंड दे आर स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स. स्टैंडर्ड इक्विपमेंट में ऑल्सो यू गेट ABS, ब्रेक असिस्ट एंड EBD. तो आप कोई भी वेरिएंट चूज कीजिए, ये सारे सेफ्टी फीचर्स आपको ज़रूर मिलने वाले हैं. इसके अलावा आपको सेफ्टी फीचर्स जब आप हायर वेरिएंट्स चूज करते हो आपको मिलता है स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट एंड ऑल दीज फंक्शंस. रिवर्स सेंसर्स भी आपको मिलते हैं, फ्रंट एंड रेयर रिवर्स कैमरा आपको मिलता है, फॉग लैम्प्स एट द फ्रंट एंड बैक. तो गाड़ी काफ़ी लोडेड है, बस दिखने में एवरेज है. तो दोस्तों हमें बताइए कमेंट्स में आपको क्या लगता है टोयोटा यारिस के बारे में. गाड़ी हमें पसंद है, बट थोड़ी एक्सपेंसिव ज़रूर है. गाड़ी की कॉम्पिटिशन बहुत स्ट्रांग है. होंडा सिटी हैज़ द बेस्ट मार्केट शेयर एंड दैट इज़ वेरी वेरी प्रूवन फॉर द लास्ट 20 ईयर्स. एंड होंडा सिटी का डोमिनेंस चैलेंज करने के लिए टोयोटा यारिस अब भारत में लॉन्च हो चुकी है. हमें लगता है सियाज और ह्युंडई वर्ना के सेल्स में से थोड़ा तो ये यारिस बाइट इन ज़रूर करेगी, लेकिन होंडा सिटी के कंपैरिजन में यारिस थोड़ी फीकी ज़रूर लगती है. और सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट अवेलेबल होने की वजह से, और फिलहाल के पेट्रोल प्राइस स्काई रॉकेट हो रहे हैं, तो हमें लगता है कि कस्टमर्स थोड़े बहुत डीजल के बारे में ज़रूर सोचेंगे. सब्सक्राइब कीजिए शिफ्टिंग गियर्स के चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है यारिस के बारे में, और बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि हम जब नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाएगी. टिल नेक्स्ट टाइम, सी यू, ड्राइव सेफ.